हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन हमने क्या कोशिश किया है कि वही आपके लिए 15 मिनट और 80 प्लस आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं आपको। तो इस वीडियो में हम लगभग आपके साथ 85 to 90 क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प जरूर मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया कि यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 है तो वो कितना अवनमन कोण या उन्नयन कोण बनाती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा, यानी थीटा आपसे पूछा गया था और यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पर 1/√3 थी। तो आपको पता है जब यहाँ पर 1 होता है वहाँ पर 1/√3 होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जब इस तरह से आपके पास ये वैल्यू √3 होती है और यहाँ पर वैल्यू 1 होती है तो एंगल आपके पास 60 बनता है ना। तो यानी थीटा की वैल्यू पूछी तो आपसे क्या पूछा, 60 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा वो ये था कि एक मूलधन 7000 या फिर 60000, कुछ ऐसा वैल्यू थी 7000 पे है। ए ने एक राशि 7000 की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली साधारण ब्याज पे, और बी को 6 से ही 1/3, क्या बी को 6 से ही 1/3% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे दी तो उसने कितना लाभ कमाया। देखो, 5% की दर से ली, 6 से ही 1/3% की दर से दे दी तो कितना कमाया, 1 से 1/3, यानी 4/3% लाभ कमाया 1 साल पे। तो 3 सालों में कितना लाभ कमाएगा, 4%। तो अब 7000 है तो 7000 का 4% निकाल लो, 60000 है तो 60000 का 4% निकाल लो, इतना उसने लाभ कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना कि x³ + y³ 16 है आपके पास और x + y कितना है, 4 है, तो आपको x³ + y⁴ निकालना है। तो आपको सीधा ही पता है 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8। 2 का क्यूब कितना, 8। 8 + 8 16, 2 + 2 4, तो उसकी 4th पावर निकालनी है हमें, तो क्या बन जाएगा, 16 + 16 यानी 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था आपके पास, 21 की √x + 20√x = 29√x होता है, तो x की वैल्यू निकालिए। देखिए, आपके पास लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कुछ ऐसा ही कि वो कुछ और क्वेश्चन था लेकिन ऐसा बन रहा था कि 21, 20 और 29 का ट्रिपलेट बन रहा था और वही वैल्यू उसने वापस दे दी। आपको पता है 21 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर = 29 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। तो 2 = √x स्क्वायर करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था sin θ = 0.96, सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा के तो आ जाएगा 24/25। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, sin θ + sin 3θ, इसका फॉर्मूला कल वाली शिफ्ट में भी आया था, कल के जो एग्जाम्स हुए थे उसके फॉर्मूले में आया था, 3/4/3 होता है ना। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन बना हमारे पास cos θ = 3/5, तो आपको वैल्यू निकालनी थी sin θ - sin⁴θ, तो cos θ 3/5 है तो sin θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, तो 4/5 - 4/5 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बना, भाई मैथ्स बहुत इजी आई है, जिससे भी पूछो आप एग्जाम में मैथ्स बहुत 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 इजी आई है आपके पास इस एग्जाम में। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, 3 दिन तक किसी ने काम किया तो शेष काम ए ने या फिर बी ने पूछा था कि शेष काम ए या बी कितने दिन तक करेगा। 3 दिन तक दोनों ने लगातार काम किया, बच्चों के जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो शिफ्ट में 90+ हो रहे हैं भाई, तो आप खुद देख के चलना कि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में आने वाले दिनों में कितना अटेम्प्ट आपको करना है, 85, 90, 95 बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन बना हमारे पास कि 3 छूट दी जाती है लगातार, 25%, 15% और 10%, तो कुल कितनी छूट होगी, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना था। इजी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन किए होंगे आपने इसके इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स के कुछ और क्वेश्चन की, आपके पास नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना कि 1 + 3 + 5 + 7 + 2n - 1 तक जाता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स आपको लगाना था, फॉर्मूला लगाओ जस्ट आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन आया कि 3 संख्याएं हैं, पहली जो संख्या है वो तीसरे से 25% ज़्यादा है, दूसरी संख्या तीसरे से 60% ज़्यादा है, तो तीनों का रेशियो पूछा था, तो तीसरी 100 है तो पहली 125, दूसरी 160, जस्ट रेशियो निकालना है आपको, इजी क्वेश्चन है।
फिर किसी को एक क्वेश्चन आया कि किसी वस्तु पर इतने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया जाता है फिर इतने प्रतिशत छूट दे दी जाती है बेचते समय, तो प्रॉफिट या लॉस होता ही है। जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वस्तु है ठीक है, उसके ऊपर 20% ज्यादा अंकित किया जाता है, बाद में 25% की छूट दे दो यानी 1/4 की छूट दे दो, 30 रुपए की छूट दे दी जाती है, तो कितने में बेची जाती है? 90 में। तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? 10 का लॉस हुआ। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा, वैल्यू जो मर्जी दे दे। फिर जो क्वेश्चन बना वो हमारे पास डिस्टेंस से बना ठीक है, स्पीड डिस्टेंस से। कोई व्यक्ति किसी दूरी को 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 30 मिनट में कवर अप करता है, उसी दूरी को 20 मिनट में कवर अप करने के लिए क्या स्पीड रखनी होगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 30 मिनट में कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर डिस्टेंस होगी वो ठीक है। अब 27 की स्पीड को 20 मिनट में कवर अप करना है यानी 1/3 आवर में ठीक है। इसको करोगे तो 1/3 आवर में कितनी स्पीड चाहिए उसको? 27 × 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि 2 × a² + b² = a + b का होल स्क्वायर। तो ए रेशो बी पूछा है या ए माइनस बी पूछा है या कुछ भी पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, आपको जस्ट क्या करना है? देखिए रेशियो पूछा होगा, रेशियो वैल्यू निकलेगी कि 2a² + 2b² = होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बच गया? a² + b² - 2ab = 0। तो a - b का होल स्क्वायर = 0 यानी a - b = 0। तो a = b, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी बना। एक आपके पास ट्रायंगल है ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, पेरीमीटर दे रखे हैं 90, ये साइड दे रखे 26, तो ये वैल्यू निकालनी है। 90 में से 26 माइनस करो जो है उसको, हाफ करो। सेम क्वेश्चन आपका लास्ट शिफ्ट में भी बना है यानी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो एनालिसिस इसका देखते हो तो आपको जरूर ही हेल्प मिली होगी। जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा, तो उनको थर्ड शिफ्ट में हेल्प मिली होगी। इसी तरह से अगर आप पिछली वीडियोस का भी एनालिसिस देखते हो तो आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें आपको जरूर हेल्प मिलने वाली है ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ पहुँचा दो, पास पहुँचा दो, ताकि उनका पेपर भी थोड़ा अच्छा हो जाए, आपको दुआएं मिलेंगी उनसे, है ना भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम जीके क्वेश्चंस की। जीके के मैंने आपके लिए 25 के 25 क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए हैं, तो चलिए बात करते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आपके पास बिना बना कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन। pH value 7 पर कोई जो केमिकल, कोई भी केमिकल है वो क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है या न्यूट्रल होता है, लवण होता है? तो ये क्वेश्चन आया था। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, बहुत इजी क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। पाब्लो पिकासो का संबंध किससे है। मिट्टी का सर्वेक्षण होता है, जो मृदा सर्वेक्षण होता है, वो भारत में पहली बार कब हुआ था ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ, देखो बहुत इजी हिस्ट्री आ रही है आपके पास। माउंट एवरेस्ट का सबसे ज्यादा भाग किस देश में है, इजी क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। छपाक फिल्म का डायरेक्टर कौन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। ये शिफ्ट जो आपकी कहें तो बहुत इजी शिफ्ट है, इसीलिए बच्चों के 90+ या 95 अटेम्प्ट हो रहे हैं इसमें। फिर हम बात करें पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के। राज्य सरकार में मुख्य कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है सीएम होगा, इतना इजी क्वेश्चन। 2018 में जो ओडीआई में या फिर आईसीसी में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे बताया गया, इतना इजी क्वेश्चन आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि पौधे के किस भाग में शर्करा का निर्माण होता है, काफी क्वेश्चन आपके पास बन गया ठीक है। एक क्वेश्चन मैचिंग का आया था कि संत दे रखे थे और संस्थाएं दे रखी थी, कि इस संत का संबंध किस संस्था से है, इस संत का संबंध किस संस्था से, ऐसा क्वेश्चन कुछ बना था आपके पास। फिर जो क्वेश्चन बना कि गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, या गुजरात में मकर संक्रांति के को किस त्यौहार के नाम पे मनाया जाता है, ताप की SI यूनिट पूछी थी, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, देखिए कितने इजी क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में कंप्यूटर का एक क्वेश्चन बन रहा है, जबकि सीजीएल में कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं बना, तो सीएचएसएल में एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का बन रहा है। फिर कहता है भारत को किस दिन खुला शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, ओपन डेफिकेशन। दर्द निवारक औषधि के लिए क्या यूज किया जाता है, या किसे दर्द निवारक औषधि के रूप में जाना जाता है, एनाल्जेसिक। फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर से दो क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके पास। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चार लाइन्स दे रखी थी, क्या था, कौन सा कथन सत्य है, अंट्रू है, ये आपको बताना था।
2018 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर आपसे पूछा गया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट आपसे पूछा गया था। तो ये थे आपके पास 25 क्वेश्चंस जीके के। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंग्लिश की। देखिए आपको वीडियो तो जरूर पसंद आ रही होगी, इतने क्वेश्चंस इतने कम टाइम में आपको किसी ने भी प्रोवाइड नहीं करवाए होंगे, ऑब्वियसली बात है सभी अपने बीच में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए, है ना, बिना आपके टाइम वेस्ट के आपको क्वेश्चंस मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं सिनोनिम्स की, इंग्लिश में क्या सिनोनिम्स आए थे। देखिए एक बना एक्सप्लिसिट, एक बना आपके पास इंस्टिगेट, दो सिनोनिम बने। क्लियर होना इंस्टिगेट भड़काना किसी को। एक आपके पास वन वर्ड बना इगोटिस्ट, सारे के सारे पुराने वर्ड्स है भाई। इगोटिस्ट कौन होता है, जो सेल्फिश होता है। एंटोनिम बना आपके पास क्लाउडी यानी अनक्लियर होना। एक एंटोनिम बना आपके पास प्लेकेट का, शांत करना। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत 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 इजी क्वेश्चंस आए हैं भाई। एरर के भी क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं। एक में सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा था और प्लूरल वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब कुछ ऐसा वर्ब का क्वेश्चन आया था। एक में हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आनी थी, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया था। क्लोजनेस के 5 क्वेश्चन आए, हैप्पीनेस पे बेस्ड आपके पास क्लोजनेस आया था, काफ़ी इजी क्लोजनेस था आपके पास ये भी। पैसेज से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्लोजनेस बन रहा है हर शिफ्ट में, तो उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। 2 इडियम्स आई थी, एक इडियम थी कट टू द चेज यानी एग्जैक्ट पॉइंट पे आना। 2 क्वेश्चन आपके पास पैराजम्बल के बने, इजी क्वेश्चंस थे। पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन बना जिसमें आपको माइट हैव V3 को माइट हैव बीन V3 में चेंज करना था, ऐसा क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन आपके पास नरेशन का रहा, वन वर्ड रहा एक इगोटिस्ट, इगोइस्ट, क्या वन वर्ड रहा, इगोइस्ट, ऊपर बता ही दिया आपको। मिसपेल जो बना, एक तो बना एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत दे रखी थी। एक में जो बना ये स्पेलिंग पता नहीं लगा किसकी गलती, लेकिन ऐसा था एलोपैथी होम्योपैथी इस तरह से वर्ड्स थे और उसमें आपको मिसपेल फाइंड आउट करना था, इजी क्वेश्चन था। इम्प्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन बने, एज सून एज से आपको पास क्वेश्चन बना था कि एज सून एज होता है, सिर्फ एज सून नहीं होता। एक क्वेश्चन बना जिसमें आपके पास ऑप्शंस में थे अलॉट ऑफ टाइम, अलॉट्स ऑफ टाइम, अलॉट ऑफ टाइम्स, ऐसा कुछ देर का था और ये ऑप्शन आपके पास सही था। 2 क्वेश्चन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स बने। देखिए 24 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे इससे आपके पास, यानी हमने आपको इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चंस लगभग प्रोवाइड करवा दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के पास भी हमें, हमारे पास बल्क ऑफ क्वेश्चंस है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। इस बार डाइस के लिए फाइंड नहीं करना था कि इसके पीछे क्या होगा, इस बार जो क्वेश्चन है डाइस मेकिंग था, यानी इससे क्या डाइस बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। मतलब ये आपके पास जैसे दे दिया होता है ना कि ये दिया हुआ है तो कौन सा डाइस बनेगा, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपके पास मिरर इमेज का रहा जिसमें अल्फाबेट्स दे रखे थे और नंबर दे रखे थे, उसकी मिरर इमेज आपको बतानी थी। एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन रहा, सिलोगिज्म से आपके पास एक क्वेश्चन रहा, इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी आपके पास सही रीजनिंग भी। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग से क्वेश्चन था, डिफरेंस बेस्ड था आपके पास, यानी डिफरेंस बताना था अल्फाबेट्स का। एक आपके पास एनालॉजी से क्वेश्चन था कि कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है तो मेज का संबंध किससे है, स्टेशनरी से, ऑब्वियस। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था सिंबल पुट करने थे, यानी आपके पास ये दे रखा 5, 10, 15, इसके अंदर प्लस आएगा, माइनस, डिवाइड, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। फिर आया था क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं लेकिन हार्ड नहीं बोल सकते। जैसे लास्ट शिफ्ट में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन से, इस बार इजी क्वेश्चन था। फिर एक अकॉर्डिंग आई थी आपके पास, ट्यून को 56 बोला जाता है, म्यूजिक को क्या बोला जाएगा, सम करके माइनस जितने वो नंबर है ये कर दो, 60 माइनस 4, और इसमें जो सम बनेगा 65 लगभग बनेगा। म्यूजिक का 13, 21, 19 और 9 और 3, इसका आप सम करोगे तो 9 और 3 12, 12 और 9 आपके पास बन गए 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 और 20 आपके पास बन गए 45, 45 और 10 55, 65 में से 5 करोगे तो 60, सही लॉजिक बताया उन्होंने बच्चों ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि 7 का रिलेशन 43 से, तो 8 का रिलेशन किससे होगा, एनालॉजी से। फिर एक क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास बना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स दे रखे, इसमें से सेकंड इंटू थर्ड को डिवाइड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। देखिए लास्ट शिफ्ट में आपके पास क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटू सेकंड को डिवाइड करोगे थर्ड, अब आगे सेकंड इंटू थर्ड को 2 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास स्क्वायर काउंटिंग आई थी, थोड़ी सी पजलिंग थी लेकिन हो गई थी, डुएबल थी। फिर एक क्वेश्चन है वापस से ब्लड रिलेशन का जिसमें इंडिकेशन दे रखा था कि वो लड़की जो खड़ी है वो मेरी क्या लगती है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, मेरी माँ की इकलौती बेटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आपके पास अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग था, अपोजिट वैल्यू से बन रहा था, यानी अल्फाबेट को 1 को अपने
26 लिखते हैं, बी को 23 लिखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन आपके पास पेपर कटिंग फोल्डिंग से था, इजी क्वेश्चन था, स्टार्स दे रखे थे और सर्कल दे रखा था। फिर वेन आरेख से क्वेश्चन था कि ये वाले हैं या इनको इंडिकेट कौन करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक था कि वेन आरेख में आपको एडजस्ट करना था, इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है और थर्मामीटर है। देखो इंस्ट्रूमेंट में गिटार भी आएगा, थर्मामीटर भी आएगा, लेकिन इन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं, तो ये आंसर बन जाएगा आपके पास। फिर एक आपके पास सीरीज रही कि 2 7 23 72 220 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास रहा। और है कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन कि गाय एनालॉजी से, एक और क्वेश्चन है कि गाय का संबंध गौशाला से है तो उल्लू का संबंध कहाँ पर किससे होता है, यानी गाय गौशाला में रहती है तो उल्लू किस कहाँ रहता है। एक क्वेश्चन आपके पास एस का बना जो कि लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का ही रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 2 से 3 दिन में तो रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन आया कि ए प्लस बी प्लस सी, चारों की जो सम का एस का सम है वो 70 है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद चारों में 5 5 5 5 20 इंक्रीज होगा, यानी कितना बन जाएगा 90। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन। लगभग 90 क्वेश्चंस आपके पास पहुंचा दिए हैं, तो आपको भी वीडियो को फिर लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना है। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।